Now, next question number 17. Find the point on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. क्या है आपको पॉइंट फाइंड करना है. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर का आपको कोई पॉइंट फाइंड करना है. और विच इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. यानी कि स्लोप ऑफ पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल है. बहुत सिंपल है, मुझे सिर्फ पॉइंट ही फाइंड करने का है और कुछ नहीं करना है. तो गिवन कर्व इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बोथ द साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 3x square. सपोज एट पॉइंट एक्स वाई, कोई पॉइंट एक्स वाई है उसमें उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy by dx एट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट. तो y कोऑर्डिनेट कितना है y, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे. अब dy by dx कितना है आपके पास, 3x square, therefore 3x square is equal to y. But y is equal to x cube because ये एक्स वाई पॉइंट है वो ये कर्व पे है, यानी कर्व के इक्वेशन का सेटिस्फाई करेगा. देयरफॉर वाई की जगह पे हम एक्स क्यूब रखेंगे, ये 3x square इस साइड आ जाएगा. देयरफॉर वी राइट एक्स क्यूब माइनस 3x square इज इक्वल टू 0, कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर, देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. Therefore, x is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3. अब x is equal to 0, x is equal to 0 पर से हमको y निकालना है. तो y is equal to x cube है, यानी कि कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने को y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. सिमिलरली x is equal to 3, पुट इन कर्व इक्वेशन y is equal to 20. Therefore, here the required point, आपको जो क्वेश्चन में पूछा था पॉइंट फाइंड करने का था, कौन सा पॉइंट आया, 0 0, एंड सेकंड आंसर 327. ओके, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा था. चलो क्वेश्चन नंबर 18. फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेस टू 5, फाइंड ऑल द पॉइंट at which the tangent passing through the origin. कहने का मतलब ये है, for the curve y is equal to 4x cube minus 2x raised to 5, ये curve है, find all point at which the tangent passing through the origin. यानी कि माना कि मुझे मालूम नहीं है कि ये कर्व कौन सा है, ये कर्व कौन सा है वो अपने को मालूम नहीं है. माना कि सपोज ऐसा कोई कर्व है, मैं सपोज कर लेता हूँ, बराबर. तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट में से ऐसे स्लोप हम निकालते हैं, बराबर, ऐसे स्लोप हम फाइंड करते हैं. ये तो इसमें दो ही हम ड्रॉ कर सकते हैं है, क्योंकि ये कर्व कौन सा है अपने को नहीं मालूम है. ये कर्व के हम ओरिजिनल जो ग्राफ दौड़ा जाए, और ओरिजिनल ग्राफ दौड़ने के बाद ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट 0 0 में से जितने भी ऐसे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सके उसका जो ये पॉइंट है वो आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, ये पॉइंट फाइंड करने का है. ध्यान रखना बहुत अलग क्वेश्चन है, आगे के सम से बहुत अलग क्वेश्चन है. आगे के सम में क्या था, जो पॉइंट है वो कर्व के इक्वेशन पे दिया था, एट पॉइंट ऐसा लिखा था, इसमें एट ऐसा नहीं लिखा है. इसमें क्या लिखा है, फॉर द कर्व फाइंड ऑल पॉइंट विच टेंजेंट पास द थ्रो, यानी कि टेंजेंट है वो ओरिजिन में से पास हो रहा है 0 0 में से,
ऐसा नहीं लिखा है कि ओरिजिन पॉइंट इसके कर्व पर है कि नहीं, ऐसा कुछ बात की नहीं है। जब हम आगे के क्वेश्चन में क्या करते थे, आगे के क्वेश्चन के अंदर कोई भी कर्व हो उसके पर का पॉइंट आपको दे देते थे, तो हम क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव कर लेते थे ये कर्व का, और डेरिवेटिव के अंदर ये पी पॉइंट हम पुट कर लेते थे, ओके। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, ये बहुत बहुत अलग क्वेश्चन है। चलो बहुत सिंपल है, पहले तो मैं कर्व का डेरिवेटिव कर लेता हूँ, 12x² - 10x^4। अब मैं सपोज करता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये x0 y0 या तो x1 y1 या तो xy पॉइंट है, ऐसा मैं सपोज कर लेता हूँ। चलो यानी कि लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट p of xy पर का स्लोप m = dy/dx एट पॉइंट xy = 12x² - 10x^4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमारे पास इक्वेशन है y - y1 = m (x - x1), देयरफॉर y - 0 x1 y1 यानी 0 0 पॉइंट = 12x² - 10x^4 (x). अब इसका सिंप्लीफाई देते तो y = ये x अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 12x³ और 10x^5, ओके। अब हमारे पास ये p(xy) पॉइंट हमने कौन से पे सपोज किया था, कर्व पे, कर्व के इक्वेशन का ये सेटिस्फाई करेगा ये पूरा पॉइंट p(xy), तो p(xy) सेटिस्फाई कर्व इक्वेशन y = 4x³ - 2x^5। अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ y की जगह पे, तो मुझे ये पूरा x टर्म मिल गया, तो उसका सिंप्लीफाई करूँगा तो 8x³ - 8x^5 = 0। इसमें से 8x³ कॉमन निकलेगा तो 1 - x² = 0, देयरफॉर x³ = 0 एंड x² - 1 = 0, देयरफॉर x = ±1। यानी अपने को कितने x की वैल्यू मिली, एक वैल्यू 0 मिली, दूसरी वैल्यू x = 1 और तीसरी वैल्यू कौन सी मिली, x = -1। अब x = 0 है उसको कर्व के इक्वेशन में मैं पुट कर लेता हूँ तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, उसके बाद x = 1 को मैं कर्व के इक्वेशन में पुट करता हूँ तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और x = -1 को भी मैं कर्व के इक्वेशन में पुट करूँगा तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा। यानी कि मैं x = 0 इसके अंदर पुट करूँ तो 0 - 0 = 0, देयरफॉर एक पॉइंट मुझे कौन सा मिला, 0 0। सेकंड, x = 1 पुट इन कर्व इक्वेशन, 1 पुट करूँगा तो 4 - 2 = 2, देयरफॉर पॉइंट कौन सा हुआ, 1 2। अब x = -1 को इसके अंदर पुट कर लेता हूँ तो -4 + 2 - 2, यानी पॉइंट कौन सा हुआ, -1 - 2, ओके।